पहला क्वेश्चन जो आप सब लोग मुझसे पूछे हो वो ये है कि सर विच इज दी बेस्ट स्ट्रेटेजी टू क्रैक नीट एग्जाम। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था कि बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा नीट एग्जाम क्या हो जाए, क्रैक हो जाए। तो देखो एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। एक सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी जिससे आपका नीट एग्जाम क्लियर होगा वो एक ही सिंपल वर्ड से है, वो है फोकस। और फोकस अगर आप कर पा रहे हो, अब आप बोलोगे किस पे फोकस करना है, तो मैं कह रहा हूं फोकस ऑन योर स्टडीज, फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर हार्डवर्क। कभी कभी आपको लगता है कि आप अपने हिसाब से हार्डवर्क कर रहे हो, लेकिन क्या वो हार्डवर्क जो आप कर रहे हो वो सफिशियंट है क्या नीट एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो आप पहले अपने आप से एक सवाल पूछो। फिर आपने जो गोल चुना टू बी अ डॉक्टर, तो आपको ये रीजन चुनना जरूरी है कि व्हाई यू हैव चोजन सच गोल, आपको डॉक्टर क्यों बनना है, व्हाई जो है ना ये क्लियर होना चाहिए। अगर व्हाई क्लियर है ना तब आप प्रॉपर स्टडीज कर पाओगे। अब नेक्स्ट पार्ट जो आता है, आप पूछते हो कि सर बुक्स कौन सी फॉलो करें, तो जहां तक बुक्स की बात है मैं आपको कुछ बुक्स बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्हीं बुक्स को आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला जैसे हर कोई कहता है एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक। अब इस एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक को आपको खरीद लेना, भले आप 11th में हो, आप 11th एंड 12th दोनों एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आप खरीद के रखो। दूसरी बात, जब आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक खरीद लेते हो तो रेफरेंस बुक में क्या आता है, तो एक बेसिक बुक मैं कहता हूँ एमटीजी का है जो बेसिकली नीट से है, तो आप उसे ले सकते हो और इसमें से जितने एमसीक्यूज है वो सारे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा और जाना है डेप्थ में, एक एक लाइन आपको एनसीईआरटी का एमसीक्यू के पैटर्न में चाहिए, तो बेसिकली आप सिंगेज ले सकते हो, ये भी एक बहुत अच्छी बुक है नीट को लेकर के। और लास्ट में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो डॉक्टर अली करके एक ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी होता है, डॉक्टर अलीज ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी, ये लास्ट में आप कर सकते हो क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में दिया है। अब ये सारे बुक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपका मेन बुक कौन सा होगा, तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक होगी। अच्छा, बहुत बार क्वेश्चन ये भी आता है सर क्या हमें ट्रूमैन्स जैसी बड़ी बड़ी मोटी किताबें पढ़नी है, तो मैं सिंपल से बात करूंगा नो, कि जो एनसीईआरटी की हम बुक बात कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी बुक है उसको पढ़ा कैसे जाए, तो एक चीज मैं बताता हूं, एक बहुत प्यारा सा सेइंग है कि कोई भी बुक को अगर आप 16 बार रीड कर लेते हो, 16 टाइम्स आपने उसका क्या कर लिया, रीडिंग कर लिया ना, तो आपको 17th टाइम आपको सारा डिटेल्स आएगा बुक का, आपको एक एक लाइन आएगा बुक का, मतलब 16 दिन एक चैप्टर के पीछे आपको रीड करना। अब एक कैलकुलेशन करके देखें, अगर जैसे मान लो मैंने एक दिन में एक ही बायोलॉजी का चैप्टर, फॉर एग्जाम्पल टोटल कितने चैप्टर्स हैं, तो हम कहते हैं 37, तो एक दिन में अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा तो बेसिकली 16 टाइम रीड करने के लिए आप 16 डेज पकड़ के चलो, तो 16 into 37 अगर आप कर लेते हो रोज शिद्दत के साथ अगर आप पढ़ते हो, तो आपका 592 डेज में आपका पूरा बुक मतलब 11th और 12th मिला के मैं कह रहा हूं, आप जो है 16 टाइम्स आपका रीडिंग हो चुका होगा रोज एक बार उस चैप्टर को पढ़ने से, सोचो। और अगर आप ये कर पाते हो तो आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन ध्यान में रहेगी। लेकिन रीडिंग कैसे हो, तो रीडिंग कैसे हो समझने के लिए मैं आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक एग्जांपल दूं। जैसे ये सब यूनिट्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, बेसिकली ये अलग अलग यूनिट्स हैं और हर एक का अपना एक रोल है और हर एक का अपना एक यहाँ पे पैटर्न। देखो जैसे मान लो आपने पहला वाला यूनिट उठा लिया, क्या है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तो इस यूनिट में कितने चैप्टर हैं, टोटल 4 चैप्टर हैं। अगर आप जब नीट की पढ़ाई कर रहे हो तो एक बात ध्यान में रखना, जब आप पढ़ रहे हो तब आप पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ने का मतलब जब आप चैप्टर उठा रहे हो तो ये पूरा यूनिट पढ़ना कंप्लीट, इस यूनिट को आप छोड़ना नहीं, क्योंकि हमारे पास टोटल एनसीईआरटी में 11 12th मिलाओगे तो 9 यूनिट्स हैं और 90 क्वेश्चंस हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन हर एक बेसिकली यूनिट से आएगा। पढ़ रहे हो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स,
तो बहुत बार ऐसा होता है बच्चा मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट पढ़ता है, एनाटॉमी छोड़ देता है, या स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ता है तो दो ही चैप्टर छोड़ता है। ऐसा नहीं है, जब आप पढ़ रहे हो तो रूल बहुत क्लियर है, कोई भी यूनिट आप उठाओ उस यूनिट को कंप्लीट करो। इसको करने का तीन स्टेप है। पहला स्टेप, आप चैप्टर की रीडिंग करो, रीडिंग सिर्फ एक ब्लाइंड रीडिंग, चैप्टर रीड कर लो, समझा नहीं समझा वो अलग बात है, सिर्फ रीडिंग कर लो। रीडिंग करने के बाद आपको क्या करना है, मेक यूज ऑफ हाइलाइटर्स। अभी हाइलाइटर्स का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे लिखना ना पड़े, मैं डायरेक्ट जब टेक्स्ट बुक से ही, मुझे सारी क्वेश्चंस मेरे नीट के जब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही आएंगे तो क्यों ना मैं उस टेक्स्ट बुक को ही बार 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 पढ़ू। उस टेक्स्ट बुक के अंदर का लिखा हुआ मैं किसी नोटबुक पे कॉपी करूं और फिर उस नोटबुक को पढ़ू ओरिजिनल बुक को छोड़ के, तो मुझे लगता है वेस्ट है। क्योंकि जब आप एक ही चीज को बार बार पढ़ते हो तो आपके लिए अच्छा है। उस टेक्स्ट बुक का डायग्राम आप अपने नोटबुक पे बना रहे हो, ये कोई स्कूल नहीं है, ये बात समझिए आप, ये कोई स्कूल नहीं है जहाँ टीचर बोलेगी क्लासवर्क दिखाओ, होमवर्क बुक दिखाओ, ऐसा नहीं। आपको प्रॉपर जो भी चीजें लग रही है टेक्स्ट बुक में ही लिखो, टेक्स्ट बुक में ही हाईलाइट करो। एक बार आपने हाईलाइट कर लिया, देन यू आर गोइंग फॉर एमसीक्यूज। अब इस चीज को हम थोड़ा सा किसी एक चैप्टर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपका चैप्टर है, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अब यहाँ पर ये जो पार्ट दिया हुआ है, आप ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये वाला पार्ट, इसे आप रीड करना, जो आमतौर पे सारे बच्चे छोड़ देते हैं। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेसेस। फिर जो लिविंग वर्ल्ड है वो किससे कंप्राइज्ड है, सो इट्स कंप्राइजेस एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ से रीड करना है, नहीं तो मैक्सिमम सारे बच्चे कहाँ से रीड करते हैं, यहाँ से। ये साइंटिस्ट के बारे में भी आप थोड़ा सा रीडिंग करो, इनके बारे में पढ़ो, ये क्या कहना चाह रहे हैं। सो द लिविंग वर्ल्ड ऐसा नहीं है, वो पहले वाला पार्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जब आप इसको रीड करते हो, पहली तो चीज ये समझो कि आपका जो चैप्टर है, आपका पूरा चैप्टर कितने पार्ट में डिवाइडेड है, तो हम कहते हैं चार पार्ट। पहले पार्ट में आप ये सीखोगे व्हाट इज लिविंग, क्या हम जिंदा है, दूसरा पार्ट में डाइवर्सिटी, तीसरा पार्ट में टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, चौथा पार्ट में टैक्सोनॉमिक एड। तो चैप्टर पूरा चार पार्ट में डिवाइडेड है, ये आपको आना जरूरी है। अब ये आप रीड करोगे, अब ध्यान से समझना, ये जो पूरा यूनिट है ना, इसको रीड करो, रीड करो। अब जब आप रीड करोगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे भी सेंटेंस होंगे जो आपको लगता है ये तो मेरे को आता है, एकदम इजी है, इसका क्या जरूरत है पढ़ने का, ऐसा नहीं है। तो इसमें से कुछ आपको काम की चीजें लगेंगी, जो भी आपको काम का लगाओ, जो भी आपको काम का लगाओ, आप क्या करोगे, आप जो है यहां पर देखो, ये जो एरिया इतना खाली एनसीईआरटी ने दिया ना, ये किस लिए दिया हुआ है, नोट्स के लिए। आप क्या कीजिए, मेक यूज ऑफ सम कलर पेन्स, कलर पेन का यूज करके यहाँ पे सारे पॉइंट्स जो आपको लग रहे थे इंपॉर्टेंट है, इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद शॉर्ट में लिख लो। और जैसे आपने यहाँ पे शॉर्ट में लिख लिया तो आप क्या कर सकते हो, उसका कोई अपना खुद का एक सेंटेंस बना लो, जिसको हम नॉनसेंस सिलेबल कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, लाइफ प्रोसेसेस की जब बात होती है तो मुझे सातों के लाइफ प्रोसेस कैसे याद रहते हैं, तो मैं एक सेंटेंस वर्ड बना के रखता हूँ, मिसेस ग्रेन। अब अगर मैंने मिसेस ग्रेन बनाया तो मुझे सारे लाइफ प्रोसेस आते हैं, मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन। तो ये सब, ये जो स्पेस है ना साइड का, इसे आप ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए टू राइट ऑल द इंफॉर्मेशन। जो भी आपने पैराग्राफ में रीड किया उसे आप क्या कीजिए, इसके अंदर लिखिए। और दूसरी खास बात, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो है लिखने के लिए जगह नहीं है, तो आप क्या करो, स्टिक नोट्स ले लो। जब आप स्टिकी नोट्स लेते हो तो स्टिकी नोट्स सबको पता है पेपर होता है बड़ा सा कलरफुल, और उसके ऊपर आप पेंसिल से लिख लो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो, और एनसीईआरटी के पेज के कोने पे इसको चिपका दो। ये काम आप कर सकते हो, दिस इज वन थिंग व्हाट यू कैन डू, स्टिकी नोट्स। ये भी एक तरीका है पढ़ने का। अच्छा, बहुत बार बच्चे सोचते हैं सर स्टिकी नोट्स पे कैसे काम चलेगा अगर मैं ज्यादा कुछ लिखना हुआ तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है बेसिकली, आप उस एनसीईआरटी के बुक को ओपन कर लो और हर पेज के अंदर एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करो, मतलब एनसीईआरटी का पेज ब्लैंक पेज, एनसीईआरटी का पेज ब्लैंक पेज, एनसीईआरटी का पेज ब्लैंक पेज, ऐसे इंसर्ट करो। और उसके बाद इसकी क्या कर लो, आप स्पाइरल बाइंडिंग, तो आप ज्यादा से ज्यादा नोट्स आप उसकी बुक में लिख सकते हो। देखो 10 जगह लिखोगे ना, तकलीफ हर एक ही होगी कि 10 बुक आप कैरी नहीं कर सकते हर जगह पे,
और 10 बुक में आपको पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। तो आपको लॉजिकली करना क्या है, एक ही बुक लो, उसमें सारी चीजें लिख लो और वही बुक लेके सब जगह घूमो और वही बुक को लेकर के आपको हमेशा पढ़ना है।